जयंती क्या कुछ कह जाएंगे आज रविदास जयंती के ऊपर जाके? सर्वप्रथम संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जय। आज प्रकाश उत्सव है, इस प्रकाश उत्सव पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जो कि आज 645वां हम गुरु जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसी के निमित्त आज जो शोभा यात्रा निकली है, हमारे साथी सैनी समाज, विश्व हिंदू परिषद, राजेश गोयल जी, रिंकू सैन, मुख्यतः हमारे रिंकू सैनी जी और बरसाना समाज से हमारे राधा कृष्ण मंडली मिलजुल कर इस शोभा यात्रा की पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जल की व्यवस्था की है पिलाने के लिए। एक आज का मैसेज हमारा इतना ऐसा ही है कि संत सभी के सांझे होते हैं, किसी विशेष के नहीं होते, उसी को ध्यान में रखते हम सभी ने मिलजुल कर आज उनके प्रकाश उत्सव को बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण चंद और मोहन लाल सैनी, प्रधान सैनी समाज जी एवं शिक्षा समिति, या ये रविदास जयंती में सारे भारतवर्ष को बहुत बधाइयाँ। और कैथल में जो ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें सभी को, कैथल वासियों, सभी बरादरी को, सभी को बहुत ज़्यादा बधाई हो। और बहुत खुशी की बात है जो इस प्रकार ये आयोजन किया गया, आगे से भी ऐसे करते रहेंगे। सबको धन्यवाद। जय गुरु रविदास। सबसे पहले तो कैथल पब्लिक टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे बीच आप कवरिंग करने के लिए आए। जैसा कि आपको ज्ञात है 645वां श्री शिरोमणि गुरु रविदास जयंती आज उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में समस्त सैनी समाज ने योगदान देते हुए पुष्प वर्षा और जल सेवा की थी, जो कि आज हमारे चंदाना गेट पर श्री सूर सैनी स्नातक स्थान पर की गई है। हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश रहेगा, जितनी भी जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसे विशेष किसी जात या कास्ट का नाम बना करके सभी को मिलजुल कर मनानी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा यही मैसेज रहेगा। आज दुर्भाग्यवश राजनीति की भेंट चढ़ते हुए हमारे गुरु महापुरुष संत, जो कि आज एक अलग अलग जात से संबंधित जोड़ दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। हमारे ये संत महापुरुष थे, इन्होंने सर्व समाज सर्व देश के लिए काम किया था। हमारा तो यही निवेदन है और समस्त सैनी समाज की तरफ से गुरु रविदास जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। जय गुरुदास। मैं राकेश कुमार रंगा, भारत आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयां हो। और आज हमने गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली है। आज हमारी ये शोभा यात्रा प्रताप गेट से चल के चंदाना गेट, सुरसिंह सैनी के चौक से निकल के रेलवे गेट और पुराना बस स्टैंड, पेवा चौक, कमेटी और बाबा सिंह, बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक से होते प्रताप गेट पे ही समाप्त होगी। और हम ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं और सैनी समाज जी ने हमारा स्वागत किया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि हम आइंदा भी सभी भाईचारा एक बन के रहें और एक ही मुट्ठी में अगर बांधेंगे तो एकता में बहुत बल होता है, इसी हमारा फायदा है, नहीं तो लोग हमारा नजायज़ फायदा उठाते हैं। इस वजह से अगर मुट्ठी खुली रहेगी तो कोई फायदा नहीं, अगर मुट्ठी बंद रहेगी तो बल रहेगा मुट्ठी के अंदर। नमस्कार धर्म जी, मेरा नाम सुधीर सैनी है और आज जैसे कि आप जानते हो संत श्री रविदास जी की जयंती है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की है इस द्वारा, आज पुष्प वर्षा के द्वारा, कि सामाजिक समरसता बनी रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपस में जातिवादीवाद को सब भूल के समरसता बनी रहे। संत सभी के होते हैं, किसी एक विशेष समाज के नहीं होते, तो इसलिए हम यही यंग जो आज की ब्लड है, हम उनसे सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी समाज एकजुट रहें। धन्यवाद।